जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। हाँ, आपने बहुत ठीक से सुना, जॉइंट वेंचर। रियल स्टेट इंडस्ट्री में जॉइंट वेंचर एक ऐसा टर्म जो फेमस तो बहुत है, पर लोगों को शायद प्रोसेस नहीं पता कि जॉइंट वेंचर रियल स्टेट में करते कैसे। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो ये मेरा आपसे दावा है कि इस वीडियो के एंड में आप ये पूरी तरह से अच्छे से जान जाएंगे कि आपकी सिटी में या पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कोई भी जॉइंट वेंचर डील करनी है तो आपको किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, इतने ईजी तरीके से हम आपको बता देंगे कि आप भूल ही नहीं सकते कि जॉइंट वेंचर के समय आपको क्या 5 चीज़ों पर ध्यान रखना है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल स्टेट एक्सपर्ट, रियल स्टेट ट्रेनर, आपको ये बताना चाहता हूं कि जॉइंट वेंचर एक ऐसा टर्म है रियल स्टेट की इंडस्ट्री में कि अगर इसका नॉलेज आपको ठीक से मिल गया तो आप अपने टर्नओवर, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर से आपको एक बल्क अमाउंट मिलता है, एक वर्किंग कैपिटल मिलता है जो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रियल स्टेट के वीडियोस आप कभी मिस ना करें। और हम आपको ऐसे वीडियोस देने वाले हैं जो कहीं भी गूगल पे या किसी किताब पे आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये बेस्ड है उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे जो 15 साल से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो 8 साल रिसर्च की है पीएचडी के दौरान और बहुत सारे इंटरव्यू जो रियल स्टेट सीईओ के साथ लिए उस पे बेस्ड पे। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जॉइंट वेंचर का प्रोसेस बहुत हेल्पफुल है आपके रियल स्टेट इंडस्ट्री में और कैसे करते हैं जॉइंट वेंचर करते समय किन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ जो अगर आपने याद कर लिया तो आप जॉइंट वेंचर को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, आप टैटू बना लेंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा कि जॉइंट वेंचर कैसे करते हैं। जॉइंट वेंचर अगर आपको रियल स्टेट में करना है तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना है, वो है PTOPF। क्या है ये PTOPF? दोस्तों, ये एक ऐसा सिंपल मॉडल प्रोसेस हमने बना दिया है कि आप इसको याद कर लीजिए, आपको जॉइंट वेंचर का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। PTOPF क्या है ये PTOPF? P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी, T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट, O स्टैंड फॉर ऑफर, देन P अगेन स्टैंड फॉर पेमेंट कंडीशन एंड F स्टैंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि जब जॉइंट वेंचर का प्रोसेस आप कर रहे हो तो ये PTOPF मॉडल आपको कैसे बहुत मदद करेगा उस डील को क्लोज करने में और एक अच्छा जॉइंट वेंचर का डील करने के लिए। सो रियल स्टेट इंडस्ट्री में अगर आपने ये PTOPF मॉडल समझ लिया तो आप एक अच्छे जॉइंट वेंचर एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो पी इन PTOPF मॉडल स्टैंड फॉर द फर्स्ट पी इज प्रॉपर्टी। अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं दो पार्टीज के बीच में, हो सकता है वो एक प्रॉपर्टी ओनर हो उसके बीच में, दूसरा एक बिल्डर उसके बीच में, तो सबसे पहले आपको खुद प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट स्टडी करना है, प्रॉपर्टी का लोकेशन स्टडी करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है ताकि आप जान सके कि क्या जॉइंट वेंचर के लिए ये फिजिबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर आपने किसी भरोसे के बिल्डर को ऐसी प्रॉपर्टी दिलवा दी जॉइंट वेंचर में जो फिजिबल ना हो, जो लीगली क्लियर ना हो, जिसका टाइटल क्लियर ना हो, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट लूज हो जाएगा। सो आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि प्रॉपर्टी कैसी है, क्लियर है नहीं है, टाइटल क्लियर है, ये सब समझने के बाद ही आप जॉइंट वेंचर के लिए आगे बढ़िए। सो अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप सेकंड स्टेप में जाइए PTOPF मॉडल के, एंड द सेकंड स्टेप इज ट्रस्ट। अब दो लोग जिनके बीच जॉइंट वेंचर होने वाला है, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, जो इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि जॉइंट वेंचर क्या है, कैसे करते हैं। सो अगर वो दोनों ट्रस्टेबल पार्टीज हैं, मतलब जिसका प्लॉट अगर आप किसी बिल्डर को दिलवा रहे हैं या किसके बड़ा स्पेस आप दिला रहे हैं फॉर जॉइंट वेंचर या किसी कंपनी को दिलवा रहे हैं, तो वो कितने रिलायबल है, उनका ट्रस्ट मार्केट में कितना है, और दूसरा जिस बिल्डर, जिस कंपनी को आप वो जगह दे रहे हैं फॉर जॉइंट वेंचर ताकि वहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ सके, उनका ट्रस्ट फैक्टर, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कितनी है। जब आपने दोनों पार्टीज का ट्रस्ट फैक्टर चेक कर लिया तो जॉइंट वेंचर का सेकंड स्टेप आपने पार कर लिया। अब जो थर्ड स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ जॉइंट वेंचर इज ऑफर। जो लैंड ओनर है वो बिल्डर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑफर को ठीक से समझना और अपनी पार्टी को, मतलब अपने बिल्डर को, डेवलपर को समझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जॉइंट वेंचर में। अगर ऑफर आपको क्लियर नहीं हो तो आप पार्टी को क्लियर नहीं करेंगे, और जब आप बहुत बड़ा बिल्डर डेवलपर की मीटिंग आप जॉइंट वेंचर के लिए करवाएंगे और ऑफर क्लियर नहीं होगा या जो ऑफर आपने बताया था वो ऑफर मैच नहीं होगा मीटिंग के दौरान, तो आपकी रेपुटेशन जीरो हो जाएगी, जीरो एज अ रियल स्टेट पर्सन। सो जॉइंट वेंचर में बहुत जरूरी है ये समझना कि पहले ऑफर को आप समझिए, ऑफर को आप रिकन्फर्म कीजिए कि आपने यही कहा तो सामने वाली पार्टी ने कहा हाँ सही है, उसके बाद वही ऑफर को आपने बिल्डर को एज इट इज बताया, जब दोनों को ऑफर समझ में आ गया तब मीटिंग हुई, ये हुआ थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज पेमेंट कंडीशन। पहले ही समझ लीजिए कि जो ओनर है, लैंड ओनर, वो जॉइंट वेंचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ पैसा, कुछ प्रॉपर्टी, मतलब मान लीजिए कि मेरे प्लॉट पे 10,000 स्क्वायर फीट में 25 फ्लैट बनने वाले हैं, सो मैंने 1 करोड़ रुपए और 5 फ्लैट की डिमांड की है, ये मेरी डिमांड है एज अ लैंड ओनर,
और बिल्डर क्या इस कंडीशन में रेडी है तो ही मीटिंग करवाइए, नहीं तो मीटिंग करवाने का कोई अर्थ नहीं है। आपका भी समय वेस्ट होगा, बिल्डर का भी समय वेस्ट होगा और उस लैंड ओनर का भी समय वेस्ट होगा। सो जॉइंट वेंचर के समय आपको ये बहुत जरूरी है समझना कि पेमेंट कंडीशंस क्या है, क्या आपने क्लियर पेमेंट कंडीशंस बिल्डर को कंपनी को कन्वे की है कि नहीं की है। अगर ये स्टेप तक आप पहुंच गए तो समझ लीजिए 80% आपने जंग जीत ली, मैदान जीत लिया। एंड फिफ्थ एंड द फाइनल इन PTOPF मॉडल इज फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप ज्वाइंट वेंचर करा रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर आपको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं कराना है। अगर आप एक अच्छे रियल्टर है, एक अच्छे रियल स्टेट एडवाइजर है, एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी है, एक अच्छे बिल्डर है, आप छोटे बिल्डर है लेकिन किसी बड़े बिल्डर को ज्वाइंट वेंचर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो भी आपको ये समझना जरूरी है कि वहां आने वाला एंड यूजर कस्टमर वो खुश रहे, वो क्लाइंट खुश रहे, उसका ग्रोथ हो। क्योंकि अगर उसका ग्रोथ नहीं होगा तो आपके जॉइंट वेंचर का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सो अगर आप एक अच्छा जॉइंट वेंचर करवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ये पांचों स्टेप में मास्टरी, जो हम बहुत एडवांस लेवल पे सिखाते हैं, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, ट्रस्ट फैक्टर एस्टेब्लिश करना, ऑफर को ठीक तरह से पहचानना और कन्वे करना, पेमेंट कंडीशन को ठीक तरह से समझना, कन्वे करना, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को समझ के सही तरीके से कन्वे करना, ये PTOPF मॉडल में अगर आपने एक्सपर्टाइज मास्टरी हासिल कर ली तो धीरे धीरे आप जॉइंट वेंचर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर एक नॉर्मल डील से आप 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए कमाते हैं तो एक जॉइंट वेंचर से आप 50,00,000 से 5 करोड़ 50 करोड़ रुपए तक भी कमा सकते हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री में। दोस्तों एक इतना बड़ा अथाह सागर है ये रियल स्टेट इंडस्ट्री कि जिसने इसे ठीक से डिटेल में समझ लिया उसे इन फ्यूचर किसी और इंडस्ट्री में काम करने में मजा ही नहीं आता। रियल स्टेट में एक बार आपने अपना पैशन डेवलप कर लिया और इसे समझ लिया, सो रियल स्टेट आपको यहां से लेकर यहाँ तक, मतलब आपकी जर्नी को बहुत स्पीड दे सकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन चीज़ों को समझना। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन बताइए, और किसी टॉपिक पर अगर आप हमारे वीडियो रियल एस्टेट से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके टॉपिक का नाम बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।